दोस्तों, राम राज्य के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तब उन्होंने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। भगवान राम के उस शासन काल को ही राम राज्य कहा जाता है। कहते हैं उस राम राज्य में मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी न्याय मिला करता था। ये घटना भी उसी राम राज्य की है। उस समय एक कुत्ते ने भगवान श्री राम के दरबार में आकर अपना दुखड़ा रोया था, तो वहां उसे वैसा ही न्याय मिला था जैसा न्याय वह चाहता था। दोस्तों, राम राज्य में उस कुत्ते को क्या दुख हुआ था और उसे क्या न्याय प्राप्त हुआ था, चलिए इसे हम अपने इस एपिसोड की कहानी में देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है एक बार एक घायल कुत्ता राजा राम के दरबार के बाहर आकर दरबार की तरफ देखकर भौंकने लगा था। उसे देख लक्ष्मण जी ने उससे पूछा कि बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्या दुख है तुम्हें? तो कुत्ते ने कहा, मैं अपना दुख भगवान श्री राम के सामने ही कहूंगा। तो लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से कहा, ठीक है, तुम दरबार में आ जाओ। यह सुनकर कुत्ते ने लक्ष्मण जी से कहा कि एक राजा के राजभवन में सदा अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता स्थित रहते हैं, इसलिए हम अधम योनि के लोग राजभवन में बिना राजा की आज्ञा से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पहले राजा राम की आज्ञा लेकर आइए। कुत्ते की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी दरबार में आए और कुत्ते की सारी बात भगवान श्री राम को बताई। तो भगवान श्री राम ने कुत्ते को दरबार में आने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, उस कुत्ते ने श्री राम के दरबार में आकर उनसे कहा कि सर्वार्थ सिद्धि नामक एक ब्राह्मण भिक्षु ने मुझे मारकर घायल कर दिया, जबकि मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की यह बात सुनकर राजा राम ने उस ब्राह्मण भिक्षु को अपने दरबार में बुलवाया और उससे पूछा कि तुमने इस निरपराध कुत्ते को किस लिए घायल किया? तो उस ब्राह्मण भिक्षु ने कहा कि भगवान, आज भूल से मेरा भिक्षा मांगने का समय बीत गया था और भूखे रहने के कारण मैं द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए घूम रहा था, परंतु समय बीत जाने के कारण मुझे किसी भी घर से भिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में यह कुत्ता बार बार मेरी राह में आकर खड़ा हो जाता था और मुझ पर भौंकने लगता था, इसलिए मुझे इस कुत्ते पर क्रोध आ गया और मैंने इसके सर पर डंडा मार दिया। मुझसे यह अपराध हुआ है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए आप मुझे इस अपराध का दंड दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री राम समझ नहीं पा रहे थे कि उस ब्राह्मण भिक्षु को क्या सजा दी जाए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से एक ब्राह्मण भिक्षु को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता था। श्री राम को इस प्रकार सोच में डूबा देख कुत्ते ने उनसे कहा कि भगवान, इस ब्राह्मण को आप वही सजा दीजिए जो सजा मैं चाहता हूँ। कुत्ते के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि तुम इस भिक्षु के लिए क्या सजा चाहते हो? तब कुत्ते ने श्री राम से कहा कि भगवान, आप इस ब्राह्मण भिक्षु को एक मठ का महंत बना दीजिए, यही सजा इसके अपराध की सबसे बड़ी सजा होगी। भगवान राम को कुत्ते की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक मठ का महंत बना दिया और उसे एक हाथी पर बिठाकर सम्मान के साथ उस मठ की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों, यह सब देखकर राजा राम के सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा कि उस अपराधी ब्राह्मण भिक्षु को एक मठ का महंत बनाकर उसे दंड दिया गया है या उसका सत्कार किया गया है? तब भगवान श्री राम ने सभी दरबारियों से कहा कि यह न्याय इस कुत्ते ने स्वयं किया है, इसलिए आप सभी के इस प्रश्न का उत्तर भी यही देगा। दोस्तों, तब उस कुत्ते ने भगवान राम सहित सभी दरबारियों को यह बताया कि वह भी पिछले जन्म में एक मठ का महंत था और उसने बड़े न्याय पूर्वक मठ का सारा कामकाज संपन्न किया था। शुभ कर्मों में अनुरक्त रहकर मैं सुबह शाम पूजा किया करता था तथा मठ की संपत्ति की रक्षा करता हुआ समस्त प्राणियों की भलाई का कार्य किया करता था। उसके बाद भी मुझे यह अधम योनि प्राप्त हुई है और वह ब्राह्मण भिक्षु जिसने मुझे घायल किया है, वह तो बड़े ही क्रोधी स्वभाव का है। वह तो मठ का महंत बनने के बाद अपनी 7 पुष्टों को भी नरक में गिरा देगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।